क्या हुआ है ये आपके मोहल्ले में? बाद में आए जो है ना, हाँ, चार पाँच जन बदमाश जो है ना, उनको सारा लूट के सामान जो है ले गए, इनको दबा पिला गए। अच्छा, कौन बाबा है? हाँ, बाबा लोग रहते हैं। अच्छा, तो कितने लोगों के साथ हुआ ये? ये करीब हुआ है ना, पाँच लोगों के साथ हुआ है, पूजा पाठ के नाम पे। क्या है ये लोग जो आज बेहोश होके आए हैं, क्या पूरा मामला क्या है? अबे पूजा करने के लिए गए थे। हाँ, रात को संपन्न पूजा की, रात को पूजा संपन्न हो गई, सारे लोग सो गए। किसने पूजा कराई थी? पंडित जी ने। पंडित जी ने। कितने लोग बेहोश हुए? ये तो अभी तो मैं ज्यादा पाया तो ठाला या बन गया नहीं। शिव कॉलोनी की क्या घटना है और क्या कराया गया? ये अड्डा जालिम शिव कॉलोनी, ये सिविल लाइन थाना के अंतर्गत आता है। इसमें एक मनोज श्याम बाबू लड़का है, उनके घर में काम लगा था मजदूरों का तीन चार दिन पहले से। तो अभी कल के पहले जो अनार देवी है, श्यामलाची श्याम बाबू की पत्नी है, उससे उन लोगों ने कहा कि हमें पूजा पाठ आता है और हम भगत टाइप के लोग हैं, यदि किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत होती है तो हम पूजा पाठ के द्वारा उसको ठीक कर देते हैं। अभी आज जो बीती रात है इसमें 12 बजे के आसपास वो लोग आए और जो रात में उनके घर के छत में 12 बजे के आसपास उन्होंने पूजा पाठ किया। उसमें लोटे में घोल करके बतासा वगैरह में कुछ डाले रहे होंगे, तो उसमें उनको प्रसाद के रूप में सबको प्रसाद दिया और प्रसाद के बाद उन लोगों को बेहोशी आ गई। जब जानकारी मिली थाना पुलिस ने जा करके उनको देखा और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। अभी वो बोलने की स्थिति में बहुत स्पष्ट नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी, बेहोशी की हालत में है, अर्थ विचलित होंगे, तो इसलिए बहुत और खुल के कोई चीज़ नहीं बता पाए। कितने लोग बेहोश हुए इसमें? 5 लोग अभी तक मेरे जानकारी में है। क्या 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 सामान गया है घर से? सामान के विषय में अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, कुछ अभी बता नहीं पाए हैं, उनसे पूछताछ किया जाएगा थोड़ा जब स्थिति ठीक हो जाएगी।